तरनतारन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे अकाली दल के पूर्व विधायक विरसा सिंह पर केस दर्ज हुआ है। विरसा सिंह के बेटे गौरव दीप पर केस दर्ज हुआ है, वोटिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। तो तरनतारन से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक विरसा सिंह पर केस दर्ज हुआ है। विरसा सिंह के बेटे गौरव दीप पर भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल वोटिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, तरनतारन से, जहां पर विरसा सिंह के बेटे गौरव देव पर भी मामला दर्ज किया गया है। वोटिंग के दौरान नियम का उल्लंघन करने का ये आरोप लगा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि नगर निकाय के वोटिंग चल रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन इसी बीच हिंसक झड़प और अब ये पूर्व विधायक विरसा सिंह और उनके बेटे पर जो है मामला दर्ज किया गया। दरअसल दोनों पर वोटिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने का ये आरोप लगा है। श्रोमणी अकाली दल के पूर्व विधायक विरसा सिंह पर केस दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दलजीत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। दलजीत, क्या है पूरा मामला? पूर्व विधायक पर जो है नियम का उल्लंघन करने का ये संगीन आरोप लगाया गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। जी बता दें कि नगर चुनाव को लेकर लगातार भिखीविंड में तनाव का माहौल जो कि बना हुआ है, और इसी बीच जो श्रोमणी अकाली दल के साबका विधायक विरसा सिंह वल्टोहा और उनके बेटे गौरवदीप सिंह वल्टोहा पर पुलिस की ओर से डीसी के हुक्मों की उल्लंघना करने के दोष में एफआईआर दर्ज की गई है। ये मामला के बीते दिन ही पुलिस और वल्टोहा के बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसको लेकर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। जो किस तरह के नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया है, ये बताना चाहेंगे कि बीते दिन ही वल्टोहा और पुलिस प्रशासन के एसएचओ सर्वजीत सिंह हैं, और चुनाव प्रचार जो कि बंद हो गया था, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि वल्टोहा ने चोनों का है जो कि वोटिंग का उल्लंघन किया है भी, और 5 बजे का समय था वोटिंग वाला, कल चोन प्रचार नहीं कर सकते थे, लेकिन भी वल्टोहा ने कुछ संगीत लोगों को साथ लेकर ये चोन प्रचार किया है, जिसको लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। जी बलजीत, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्या एक्शन लिया है? जी मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन देखना यह होगा कि आगे पुलिस प्रशासन की ओर से की कार्रवाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन की से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कैमरे के सामने कोई भी नहीं आ रहा है। जी बलजीत, पूर्व विधायक विरसा सिंह की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है क्या अभी? जी इस मामले में जब वल्टोहा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार नगर मुंसिपल चुनाव में भिखीविंड में गुंडागर्दी की जा रही है, और जो है कि उनके मिलकर ये सब कुछ आ रहा है, और इसी का ही नतीजा है कि उनके ऊपर ये झूठा मामला उनकी ओर से दर्ज किया गया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया बलजीत। तो जैसे जैसे शाम ढलते जा रही है, माहौल भी जो है गर्माता जा रहा है। तरनतारन में पूर्व विधायक विरसा सिंह और उनके बेटे गौरवदीप पर पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मामला दर्ज किया है। विरसा सिंह के बेटे गौरवदीप पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि अभी तक पूर्व विधायक की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।